गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चलिए साइंस को ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के भौतिक गुण। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रा द टेबल 3.1 इन योर कॉपी एंड राइट द ऑब्जर्वेशन अबाउट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड इन द एक्टिविटी फर्स्ट। यानी कि सारणी 3.1 को कॉपी में बनाकर क्रियाकलाप एक में एकत्रित की गई ऑक्सीजन गैस के निम्नलिखित गुणों के संबंध में लिखिए। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं और प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, और यहाँ पर है ऑब्जर्वेशन यानी कि निष्कर्ष। चलिए फर्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट यानी कि सामान्य अवस्था, यानी कि ऑक्सीजन का जो अवस्था होता है वो कैसे होता है, यहाँ पर आप उसको लिखेंगे। सेकेंड में है कलर यानी कि ऑक्सीजन का कलर कैसे होता है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। थर्ड में है ओडर यानी कि गंध, ठीक है, यानी कि गंध को यहाँ पर लिखेंगे कि वो उसमें कुछ गंध आता है कि वो गंधहीन है, उसको लिखेंगे। फोर्थ में दिया है बच्चों वेट एज कंपेयर टू वाटर, यानी कि वाटर से कंपेयर करने पर उसका वेट यानी कि वजन कैसा है, ठीक है, यानी कि वाटर से हल्की है या भारी है, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। और फाइव में दिया है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि पानी में विलेयता, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहले से दे दिया गया है लेस सॉल्युबल यानी कि अल्प विलेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के रासायनिक गुण, चलिए एक्टिविटी टू देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन। आप आगे है इसेंस स्टिक्स मैच बॉक्स, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से भरी परख नली चाहिए। और यहाँ पर लिखा है इसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती और माचिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से भरी परख नली लीजिए। लाइट एंड इंसेंस स्टिक विथ द मैच स्टिक, ठीक है, यानी कि एक अगरबत्ती को माचिस से जलाइए। टेक दिस इंसेंस स्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ ऑक्सीजन फिक 3.2, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर 3.2 में बताया गया है उस प्रकार हम लोग को क्या करना है कि ज्वाला के साथ जलती हुई अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुँह के समीप ले जाना है। चलिए आगे देखते हैं। एंड और राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी, ठीक है, और जो निम्न प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, डज ऑक्सीजन बर्न बाई इट सेल्फ, क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है, ठीक है बच्चों, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे है ना, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है कि क्या ऑक्सीजन स्वयं जलती है, ठीक है, यदि स्वयं जलती है तो आप लिखेंगे, यदि नहीं जलती है तो उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड में है डज इट हेल्प द इंसेंस स्टिक टू बर्न, क्या वह अगरबत्ती के जलने में सहायक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया, यानी कि ऑक्सीजन स्वयं जलती है या वह मैं जो अगरबत्ती होता है ना उसको जलने में सहायक है, उसको आप कॉपी में जरूर लिखिएगा और भेजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यू सी दैट व्हेन यू बर्निंग द लाइटेड इंसेंस स्टिक नियर द टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद ऑक्सीजन इट स्टार्ट बर्निंग वाई ग्रॉसली, देयर फॉर वी कैन से दैट ऑक्सीजन डज नॉट बर्न इट सेल्फ बट हेल्प इन बर्निंग। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, आपने देखा कि अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप ले जाने पर अगरबत्ती तेजी से जलने लगती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायता करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन कंबाइन विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फ्रॉम ऑक्साइड्स, यू नो दैट व्हेन मैग्नीशियम वायर इज लाइटेड इन एयर इट बर्न विथ अ ब्राइट लाइट एंड गिव अ रेसिड्यू ऑफ वाइट पाउडर, दिस वाइट पाउडर इन द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए कि ऑक्सीजन कंबाइन विथ मेटल एंड नॉन मेटल्स टू फ्रॉम ऑक्साइड, देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों के से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है। यू नो दैट वेन मैग्नीशियम वायर इन लाइटेड इन एयर इट बर्न विथ अ ब्राइट लाइट एंड गिव अ रेसिड्यू ऑफ वाइट पाउडर। देखिए बच्चों बताया जा रहा है कि आप जानते हैं है ना, यानी कि आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। आगे लिखा है दिस वाइट पाउडर इज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि ये सफ़ेद पाउडर जो सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है 2Mg+O2 = 2MgO, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के सहयोग से मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि 2MgO बनता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी 3 दिया है। चलिए मटेरियल रिक्वायर्ड देखते हैं। अ पाइप ऑफ कोल, स्मॉल स्पून हीटिंग अपार्टस एंड टेस्ट ट्यूब फिल विथ ऑक्सीजन लाइम वाटर, ठीक है, यानी कि कोयले का टुकड़ा, छोटा चम्मच और गर्म करने का साधन, और आगे दिया है टेस्ट ट्यूब फिल विथ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन से भरी परख नली और लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीट अ पाइप ऑफ कोल इन अ स्मॉल स्पून अंटिल रेड हॉट, ठीक है, यानी कि छोटे चम्मच में कोयले को टुकड़े को जल टुकड़े को है ना लाल तप्त होने तक गर्म कीजिए। ठीक है बच्चों समझ में आया, यानी कि हीट अ पीस ऑफ कोल इन अ स्मॉल स्पून अंटिल रेड हॉट, यानी कि जो चम्मच है उसमें कोयले के टुकड़े को लेकर है ना, यानी कि तब तक गर्म करना है जब तक कि कोयला का टुकड़ा लाल नहीं हो जाता। आगे देखते हैं। टेक दिस नियर अ टेस्ट ट्यूब फिल विथ ऑक्सीजन, ठीक है, अब इसे ऑक्सीजन से भरी एक परख नली में ले जाइए। आगे बोला गया है व्हाट कलर फ्लैम डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, आप किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। ठीक है बच्चों आपको किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर सम लाइम वाटर इन टू द टेस्ट ट्यूब डज द लाइम वाटर टर्न मिल्की, देखिए आगे लिखा है कि अब इस परख नली में चूने का पानी डालिए, ठीक है, क्या चूने का पानी दूधिया हो जाता है। देखिए बच्चों नीचे लिखा है C+O2, ठीक है, CO2 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। डू द सेम एक्टिविटी विथ मेटल सल्फर, ठीक है, यानी कि इसी क्रियाकलाप को पिघले हुए गंधक, ठीक है बच्चों सल्फर को गंधक कहा जाता है, यानी कि गंधक के साथ दोहराएं। आगे लिखा है व्हेन सल्फर बर्न द फॉलोइंग रिएक्शन ऑक्यूर, यानी कि गंधक के जलने यानी कि सल्फर के जलने से निम्नलिखित क्रिया होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर सल्फर है ना, सल्फर जब ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के साथ जलती है, ठीक है बच्चों, तो क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं। यूज ऑफ ऑक्सीजन, आगे दिए बच्चों यूजेस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के उपयोग। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट दिया है बच्चों रिस्पायरेशन, ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है, रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन। द मेन यूज ऑफ ऑक्सीजन इज फॉर रिस्पायरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग पौधे एवं जीवधारी श्वसन में करते हैं। आगे देखिए माउंटेनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स, स्क्यूबा ड्राइवर कैरी दिस विथ देम इन सुइटेबल सैलेंडर्स, ठीक है, यानी कि जो पर्वतारोही रहते हैं, ठीक है बच्चों, जो माउंटेनर्स रहते हैं यानी कि जो पर्वतारोही रहते हैं, एस्ट्रोनॉट्स यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं है ना, स्क्यूबा ड्राइवर यानी कि जो गोताखोर रहते हैं, ठीक है, इसके सुविधाजनक सिलेंडरों से भर कर अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर रहते हैं उसको भर कर अपने साथ ले जाते हैं। आगे लिखा है इन हॉस्पिटल्स अस्थमा एंड हार्ट पेशेंट एंड न्यू बॉर्न बेबीज हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टी आर गिवन ऑक्सीजन मास्क, यानी कि जो अस्पताल में दमे और दिल के मरीज होते हैं है ना, तथा नवजात शिशु जिन्हें श्वसन में कठिनाई होती है उनके लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट दिया है वेल्डिंग, ठीक है, यानी कि वेल्डिंग में मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड सम अदर गैस आर बर्न टू गेट अ फ्लैम यूज्ड टू ज्वाइन मेटल ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, वेल्डिंग में ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड को फिर से समझाते हैं कि ऑक्सीजन और अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में होता है। ठीक है बच्चों,
ये हुआ यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए और समझिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।